नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार दक्षिणी तमिलनाडु के 39 क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा होने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तमिलनाडु में बारिश पर अधिक जानकारी इस प्रकार है। आईएमडी ने बताया कि थूथुकुडी जिले के कयालपट्टिनम में सर्वाधिक 95 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी ने तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनल वैली और कन्याकुमारी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों में यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी बीच कन्याकुमारी जिले के ओझुंगिनचेरी में बाढ़ के पानी का स्तर 4 फीट से अधिक हो गया है। पिछले दिनों भी चक्रवात मिचोंग की वजह से चेन्नई समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई थी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य के दक्षिणी जिलों में साल भर में जितनी बारिश होती है उतनी एक ही दिन हो गई और बाढ़ आ गई। 100 साल के इतिहास में इस साल सबसे ज्यादा दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक तिरुनल वैली, थूथुकुडी, तेनकासी और कन्याकुमारी एक शुष्क बेल्ट है जिसकी जलवायु अर्धशुष्क है। अतीत में इस बेल्ट में एक दिन में केवल 20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। ऐसे में 95 सेंटीमीटर वर्षा ने अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ शीतकाल में चलने वाली उत्तर पूर्वी मानसून पवने अधिक वर्षा करती हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने कम वर्षा करती हैं। इसका कारण यह है कि ग्रीष्मकाल में मानसून पवने दक्षिण पश्चिमी दिशा से चलती हैं, अतः यह क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वत की वृष्टि छाया में पड़ता है जिससे कम वर्षा होती है। शीतकाल में लौटती हुई मानसून पवने बंगाल की खाड़ी को पार करके नमी ग्रहण कर लेती हैं। ये पवने पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराकर तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा करती हैं। इस प्रकार जाड़े के मौसम में यह प्रदेश आर्द्र पवनों के सम्मुख होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है और वर्षा की तीव्रता बढ़ी है। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में चेन्नई में हुई अत्यधिक बारिश के पीछे आर्कटिक क्षेत्र में अचानक समताप मंडलीय तापन यानी SSW को जिम्मेदार माना गया था। इसके चलते उस साल तमिलनाडु में लगभग 10 गुना अधिक वर्षा हुई थी। चेन्नई में मौसम विज्ञान केंद्र यानी RMC ने शोध प्रकाशित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में उत्तर पूर्व मानसून के मौसम के दौरान विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि का संकेत है।